फिर टैंक की सबसे ज्यादा इश्यू होती है जब आप टूरिंग पे निकाल आपका छोटे मोटे मोबाइल फोन्स पेपर वगैरह में रख सकते हो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रवि आरएस। दोस्तों मैं आपका भाई रवि, और थोड़ी सी सराउंडिंग की वॉइस आ रही होगी उसको थोड़ा इग्नोर करना। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं इस स्कूटी की। ये स्कूटी है एक्टिवा 125 स्टैंडर्ड, बिल्कुल बेस वेरियंट है। देख लो आप, इसका रिम जो है नॉर्मल वाला रिम है, एलॉय वगैरह कुछ भी नहीं है। तो मैं जो है, जैसे आपने टाइटल देखा होगा, टाइटल में मैंने मेंशन कर रखा है जुपिटर 125 के साथ बेटर देन क्यों है ये, क्योंकि गाइज मैं आपको सबसे बड़ी चीज़ बता देता हूँ, इसकी पावर फिगर जो है इसकी 8.18 की BHP है इसकी, और जो अपना जुपिटर है वो देता है 8.04। तो आप यहाँ पर देख सकते हो पावर का बिल्कुल बहुत बढ़िया इसमें दे रखा है। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको पहले फ्रंट का बता देता हूँ। फ्रंट में आपको मिलेगी नॉर्मल हेलोजन लाइट, और जो आपको जुपिटर मिलती है LED, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको DRLs मिल जाएंगी, अभी जला के दिखा दूंगा। और ये इंडिकेटर हैं अपने नॉर्मल वाले हैं, और बाकी आप देख सकते हो। दिखाते हैं सीधा मीटर जो होता है, मीटर बिल्कुल नॉर्मल दे रखा है इसमें। और यहीं आपका, अगर आप इसका टॉप वेरिएंट लेते हो तो आपको इसमें पेट्रोल का है, फ्यूल का जो भी है वो आपको डिजिटल मिलेगा। और यहाँ पर आपको किल स्विच बटन दे रखा है जैसे आजकल बाइकों में दे रखा है। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें सेल्फ नहीं है, सेल्फ इसी के साथ अटैच है। जब आप इसको नीचे की तरफ करोगे तो इसका सेल्फ ऑन हो जाएगा। मिरर्स जो हैं, बिल्कुल मिरर्स बहुत बढ़िया क्वालिटी के हैं, और मेरे को बिल्कुल अच्छे लगे, डिसेंट से हैं और बढ़िया व्यू प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर आपको पास का भी मिल जाएगा और हाई बीम लो बीम सब मिल जाएगा। बटन जो है, बटन की क्वालिटी अच्छी लगी मेरे को एज़ कम्पेयर टू जुपिटर। जब मैंने जुपिटर के बटन टच किए थे, बटन क्वालिटी अच्छी है। हॉर्न का बटन भी नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल हॉर्न ही आता है इसमें। अब आ जाते हैं सीट की बात। तो सीट इसकी काफ़ी लंबी चौड़ी है, मतलब अगर आपको टूरिंग वगैरह करनी है तो आप कर सकते हो उस पर। पिलियन जो है बढ़िया कंफर्टेबल बैठ सकता है, चलाएगा उसको तो आपको पता है, देखो पूरे की पूरी सीट का दे रखा है। और फिर आ जाते हैं बैक साइड। सबसे अच्छी चीज़ मेरे को क्या लगी, जो जुपिटर पहले आती थी 125, उसमें ऐसा कुछ नहीं आता था। जो यहाँ पर इनने क्रोम का पूरा वो दे दिया है ना, वो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। इसमें लिखा हुआ है एक्टिवा 125। तो कलर जो है इसका बिल्कुल प्योर ब्लैक है, पियानो ब्लैक कह सकते हो उसको आप, जैसे गाड़ियों में आता है बिल्कुल प्योर ब्लैक, जो आपको जुपिटर प्रोवाइड नहीं करता ब्लैक कलर। और अब बात कर लेते हैं बैक लाइट की। बैक लाइट में आपको ये दिख रहा होगा, बहुत ही बड़ी ब्यूटीफुल क्रिस्टल कलर की लाइट है। बाकी मैं अभी आपको ऑन करके दिखाऊंगा। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आप इसको गुड़गांव से परचेस करते हो तो जिस शोरूम से हमने परचेस किया है, आप कमेंट में मैसेज डाल सकते हो, हम उस शोरूम का नाम बता देंगे। एसेसरीज इंक्लूड करके दिया है, प्राइस जो है मैं आपको एंड में बताऊंगा। टायर साइज़ जो है, टायर साइज़ बिल्कुल छोटा सा, जैसे आपको पता है स्कूटी में आता है। और ये 90 सेशन का टायर है इसमें, और एमआरएफ का नाइलो ग्रिप डला हुआ है। तो अभी बिल्कुल ब्रांड न्यू है, कल ही इसको लेके आए। बाकी एक बार हेडलाइट आपको दिखा देता हूँ। हेडलाइट देख सकते हो हेलोजन जल रही है, और यहाँ पर एक DRL जल रही है। अभी धूप बहुत ज़्यादा है तो आपको विजिबल नहीं होगा। और बाकी एक बार चला के देखेंगे इसको कैसा है, इसका परफॉर्मेंस है क्या, मतलब पंच देती है स्कूटी। बट एक चीज़ बताऊँ, मेरे को BS6 में या BS4 ले लो तो उसमें एक कमी लगती है, वो ये है, ये जो हेडलाइट जलती रहती है ना यार, पता नहीं मेरे को तो अच्छी नहीं लगती। और फिर बात कर लेते हैं अब इसके ओवरव्यू का, लुक जो है बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आप जुपिटर से कंपेयर करते हो तो जुपिटर से आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। जुपिटर थोड़ी सी गर्लिश टाइप की है, 125 जो है गर्लिश लुक देती है। अब बात कर लेते हैं इसके फ्यूल टैंक की। तो फ्यूल टैंक एक बार खोल के देखते हैं इसका। तो फ्यूल का बटन जो है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा फ्यूल और सीट, उस पर आपको चाबी को ऐसे रखना है, देन आपको फ्यूल बटन प्रेस करना है, फ्यूल बटन खुल जाएगा। टैंक कैपेसिटी जो है इसकी, सबसे बड़ी चीज़ यहीं से आपका पेट्रोल वगैरह फुल हो जाता है। जुपिटर में आगे से होता है, इसमें यहाँ से होता है। कैपेसिटी जो है इसकी 5.3 है, तो जुपिटर में जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 5.1। सफिशेंट है, जुपिटर से ज़्यादा है तो आपको पता है फिर टैंक की सबसे ज़्यादा इशू होती है जब आप टूरिंग पर निकलते हो स्कूटी या एक्टिवा वगैरह लेके, तो आपको पता ही है। बाकी एक और अच्छी चीज़ लगी मेरे को इसमें, कि आपको यहाँ पर एक ग्लोव बॉक्स टाइप का मिल जाता है, ये देख सकते हो, जो कि सफिशिएंट आपका छोटे मोटे मोबाइल फ़ोन्स पेपर वगैरह रखने के लिए। बट वो ये है कि इसमें कोई लॉक वगैरह नहीं है, अगर लॉक दे देते ना तो शायद और भी बेटर हो सकता था, कि लोग अगर अपना फ़ोन रख के भूल भी गए तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, वही है कि आप कहीं जा रहे हो आसपास तो फ़ोन रखा, पेपर रखे और चल पड़े अपने। और अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। बूट स्पेस जो है वो आपको पता है कि जुपिटर की बड़ी बूट है, इसमें आपको छोटा ही बूट मिलेगा जो सफिशिएंट है एक सामान रखने के लिए। यहाँ पर भी आपको बढ़िया, मतलब एक हेलमेट रख सकते हो, अगर हेलमेट नहीं रखना तो आप सामान रख सकते हो, आराम से आ जाएगा। जुपिटर में जो आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है वो ये मिलता है कि गाइज आपको जो ये वाला सेशन है ये भी पूरा डिग्गी में ही कन्वर्ट हो जाता है पूरा, क्योंकि उसका जो फ्यूल का है वो आ गई है। और
अब इसको चला के देखते हैं कैसी चलती है, बाकी फिर आपको रिव्यू देते हैं, देन आपको प्राइस जो है, प्राइस मैं आपको अभी बता देता हूँ। कर लेते हैं इसके प्राइस की और जुपिटर के प्राइस की। जुपिटर में आपको इस प्राइस रेंज में बिल्कुल स्टैंडर्ड में आपको LED लाइट्स मिल जाएंगी, थोड़ा सा मीटर आपको इम्प्रूव मिल जाएगा, और इसका जो प्राइस है वो आपको पड़ेगा 86,000 अराउंड गुड़गांव में ऑन रोड। और जो जुपिटर का प्राइस पड़ता है वो पड़ता है 88,900, मतलब 89 मान लो आप ऑन रोड जुपिटर का। तो कहीं ना कहीं ये रेट में भी मतलब आपको सही वो दे देगी, मतलब जिसको कहते हैं कि अगर आपको थोड़ी कम बजट में चाहिए तो ये बढ़िया स्कूटी है यार। बाकी इसको चला के देखूंगा, चला के आपको बताऊंगा कि इसका क्या मतलब मेरे को कैसी फील हो रहा है इसको चला के। सो गाइस अब इसको चला के देखेंगे कि कैसा इसका रिव्यू है। तो करते हैं चाबी ऑन। सबसे अच्छी चीज़ ये वाली मेरे को बहुत अच्छी लगी कि अब आपका हाथ ना यहाँ नहीं जाएगा, अब आपका हाथ यहीं जाएगा। थोड़ी सी आदत डालनी पड़ेगी जो पुरानी एक्टिवा चलाते हैं। बहुत ही साइलेंट है, बहुत बिल्कुल साइलेंट है। बाकी चला के देखते हैं। रिफाइनमेंट लेवल दिख रही है स्कूटी की, मतलब बहुत ज़्यादा रिफाइंड है। और इकोनॉमी जो इस बार सेट कर रही है कंपनी वालों ने, वो करी है 50-40 के बीच में, पहले 60 के बीच में आती थी। तो मे बी BS6 की वजह से कुछ इनने नॉर्म्स वगैरह चेंज किए होंगे। बाकी जो हॉर्न है, हॉर्न बिल्कुल डिसेंट सा है, मतलब मेरे को हॉर्न पसंद नहीं आया, और जिस भाई की स्कूटी है उसको भी बिल्कुल पसंद नहीं है हॉर्न वगैरह। मिरर जो है, मिरर बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि मिरर की विजिबिलिटी बहुत अच्छी है मिरर्स की। बाकी रिफाइनमेंट लेवल बहुत है। बाकी थोड़ा सा खींच के देखते हैं, अभी थोड़ा नई है तो इसको थोड़ा ज़्यादा ऊपर भी नहीं ले जा सकते, मतलब 60 प्लस जाने पे भी कोई ऐसा नहीं है कि जैसे होता है कि स्कूटी अगर आप चला रहे हो, कोई डिसबैलेंस स्कूटी है तो वो ऐसे ऐसे मतलब जिसको कहते हैं बबल करती है, बबल वाला कोई भी सीन नहीं है। जैसे एक्टिवा 6G जो है उसमें मैंने बहुत देखा है कि 65-70 के ऊपर जाते हैं ना, थोड़ी सी बबल मारती है वो। तो इसमें ऐसे कोई बबलिंग सिस्टम नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप एक्टिवा 6G पे जाते हो, 6G से बेस्ट है ये ले लो, 2,000 या 3,000 ऊपर है पर आपको 125cc इंजन में मिलता है। सीट कंफर्टेबल की बात करूँ, मेरे साथ पिलियन बैठा हुआ है, मैं चला रहा हूँ, तो सीट का जो कंफर्टेबल है ओके है, मतलब इसको कह सकते हैं कि हाँ बढ़िया है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग राइड पे आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, बट अगर आप ज़्यादा लंबी राइड करते हो कि 1,000, 1,200, 1,400 और लंबा जाते हो इसको लेके, चली जाएगी नो इशू, बट थोड़ी सी कुशनिंग आपको करवानी ही पड़ेगी, क्योंकि फिर वो हो जाता है कंफर्टेबल लेवल होता है। आपके हिसाब से है, आपके ऊपर है सबके सब। बाकी बहुत अच्छी चल रही है। और अभी मैं आपको एवरेज का बता दूं, क्योंकि ये सवाल मेरे पास बहुत आने वाला है कि भैया इसकी एवरेज क्या है, एवरेज क्या है। एवरेज का मैं अभी आपको क्लेम नहीं कर सकता, फर्स्ट सर्विस होने के बाद ही इसका मैं एवरेज का कोई वीडियो बना दूंगा कि एक लीटर में कितना देती है ये एक्चुअली में एवरेज। अभी हम इसको चला चुके हैं 44 किलोमीटर, और हमने कल ही इसमें पेट्रोल डलवाया था, तो वो भी एंड होने पे ही आ रहा है। बाकी देखते हैं। और मोटर व्लॉगिंग भी बहुत दिनों बात कर रहा हूँ, और होप है मेरी कि आगे किसी टूरिंग पे जाऊँ तो मैं शायद इसको लेके जाऊँ, और फिर मैं आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगा कि ये कितनी रिलायबल है, कि अगर आप लॉन्ग टूरिंग पे जाते हो तो आपको ये कितना भरोसा कर सकते हो एक्टिवा 125 पे। वैसे करने को लोग करते हैं, बट मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगा, और मेरी जैसे 6 फीट हाइट है तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही है चलाने में, बिल्कुल कंफर्टेबली बैठा हुआ हूँ। अगर आपकी 6 फीट से नीचे भी है तो भी आप आराम से इसको ऑपरेट कर लोगे। पावर जो है, पावर बहुत अच्छी है, जैसा कि आपको बताया था। बाकी फर्स्ट सर्विस के बाद एक्चुअली में इसकी पावर खुल के आएगी। तो गाइज होप करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना वीडियो पे, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, घर पे सेफ रहें।